गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग का जो टॉपिक्स है एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर, कॉपर का निष्कर्षण, उसके ओर से हम कॉपर का निष्कर्षण कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखिए, कॉपर भी एक रिएक्टिव मेटल होता है, जो यह भूगर्भ से मिनरल के रूप में हम प्राप्त करते हैं, तो वह फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, वह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, वह कंबाइंड पोजीशन में पाया जाता है। ये इसका संयुक्त अवस्था है, इसको कहते हैं सल्फाइड अयस्क, जिसमें सल्फर की उपलब्धि हो उसे सल्फाइड अयस्क कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर सल्फाइड कॉपर ग्लांस भी कहते हैं। इसमें भी सल्फर की उपलब्धि है, हम लोग इसको कहते हैं कॉपर पाइराइट्स। इसमें लोहा भी है और सल्फर भी है अशुद्धि के रूप में, दूसरा इसका अयस्क होता है ऑक्साइड अयस्क, इसमें कार्बन की उपलब्धि है, कॉपर ऑक्साइड्स। इसमें देखिए, कॉपर को निकालने के लिए ऑक्सीजन को भी हटाना होगा, हाइड्रोजन को भी हटाना होगा और कार्बोनेट को भी हटाना होगा। ये सबसे आपका जटिल, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड दोनों प्रेजेंट है। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड इसमें दोनों प्रेजेंट, ये बड़ा जटिल अयस्क है, ये बहुत जटिल अयस्क है। तो जिसमें सल्फर की उपलब्धि हो सल्फाइड ओर्स, जिसमें ऑक्सीजन की उपलब्धि हो ऑक्साइड, जिसमें एनएसीएल हाइड्रोजन वगैरह की उपलब्धि हो उसको कहते हैं हाइलाइट्स, उसे कहते हैं हाइलेट। जिसमें कार्बोनेट की उपलब्धि हो उसको कहते हैं कार्बोनेट ओर्स कहते हैं। तो अब देखिए, सबसे बेहतर कॉपर निष्कर्षण के दृष्टिकोण से, जब हम कॉपर को निकालते हैं उसके ओर से, कॉपर निष्कर्षण के ख्याल से सबसे उत्तम कोटि का अयस्क, किसे माना जाता है, कॉपर ग्लांस। इट इज अ सल्फाइड ओर्स। तो सल्फाइड ओर्स को बेसेमर पात्र में, इसको कहते हैं बेसेमेरिजेशंस रिएक्शन अभिक्रिया, तो बेसेमर कंटेनर में ले जाने के पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, फ्लोटेशन मेथड के द्वारा इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। फेन प्लावन विधि के द्वारा इसका हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। मैंने फेन प्लावन विधि में आप लोगों को क्या बताया था कि केवल सल्फाइड एस्को का सांद्रण ही फेन प्लावन विधि के द्वारा होता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, अयस्क को डस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, एक टैंक में आवश्यकता अनुसार पानी लेकर उसमें झाग उत्पन्न करने वाले वायर्स जैसे इकुलिप्टस या पाइन के तेल को मिलाने के साथ साथ इसके डस्ट को भी उसी में डाल दिया जाता है। संकोन पर मुड़ी नली से हवा का हाई झोंका भेजा जाता है, जिसके कारण फेन बनता है, गाज बनता है, और फेन के साथ अयस्क हल्के होने के कारण फेन के साथ तैरने लगते हैं
और अशुद्धियां भारी होने के कारण वह पिंडी में बैठ जाती है। अशुद्धियां भारी होने के कारण वह पिंडी में बैठ जाती है, तब उसको हम गर्म करके सांद्रित अयस्क कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स प्राप्त करते हैं। सल्फाइड अयस्क का कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग बेसेमर पात्र में ये जो रिएक्शन हो रहा है या जो अभिक्रिया हो रही है बेसेमर कंटेनर में हो रहा है। इट्स इवेंट इज द कॉल बेसेमेरिजेशन। ये बेसेमरीकरण की अभिक्रिया हो रही है। इस कंटेनर में क्या किए हम, इस कॉपर सल्फाइड को हवा के पर्याप्त उपस्थिति में गर्म किए। सल्फाइड अयस्क को हवा के उपलब्धि में, पर्याप्त हवा के उपलब्धि में हम गर्म किए, जिसके कारण कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यह सल्फाइड जो अयस्क है कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ये जो सल्फाइड अयस्क है कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त हो गया। प्रथम चरण में प्राप्त कॉपर ऑक्साइड पुनः कॉपर सल्फाइड से रिएक्ट करके बनाता है कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, बनाता है आपका कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। और यह जो कॉपर प्राप्त हुआ आप लिख सकते हैं बेसेमर पात्र में निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसे केमिकल इक्वेशन के रूप में निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। यह जो आपका कॉपर है, वह शुद्धता के दृष्टिकोण से 100% शुद्ध नहीं है। इसका हम परिश्रण करते हैं, प्योरिफिकेशंस करते हैं। तो प्योरिफिकेशंस कैसे करते हैं, एक अपघटनी सेल लेते हैं और अपघटनी सेल में इस फफोलेदार तंबाका जब सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है तो यह कुछ क्या होता है, स्पंजी टाइप का फूल जाता है, इसलिए इसे फफोलेदार तंबा कहते हैं। इस इम्प्योर कॉपर को मोटा प्लेट बनाते हैं और शुद्ध तांबे का पतला तार लेते हैं इसको जो मोटा प्लेट है, जो इम्प्योरिटीज है, उसको हम लोग पॉजिटिव से और ये प्योर जो वायर है उसको निगेटिव से ऐड कर देते हैं। इसके बाद जिस मेटल का प्योरीफाइंग करने जा रहे हैं उसी का हम साल्ट लेते हैं, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर साल्ट लेते हैं जिसका आप प्योरीफिकेशन करने जा रहे हैं उसी का आप साल्ट लीजिए। यह वैद्युत अपघटन का काम करता है जब इसमें हम बिजली भेजते हैं तो यह क्या होता है, क्षय होता है, कोरेशंस होता है। जो शुद्ध कॉपर के क्रिस्टल है वह तो पॉजिटिव में होंगे, अशुद्धियां न्यूट्रल होगी, अशुद्धियां पेंदी में बैठ जाती है, और जो शुद्ध कॉपर के क्रिस्टल होते हैं वह पॉजिटिव चार्ज में होते हैं, वह जाकर इस पर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं निगेटिव थिनेस्ट वायर पर। धीरे धीरे यह जो थिनेस्ट वायर है मोटा होता चला जाता है और यह धीरे धीरे अस्तित्वहीन में चला आता है। इस प्रकार से जो कॉपर हमारा प्राप्त होता है वह 99% शुद्ध माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स,
ये उन्हें बताए थे हम हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण, आज है कॉपर सल्फाइड से कॉपर का निष्कर्षण। एक बार और सुन लीजिए, कॉपर का निष्कर्षण जो हम लोग जमीन के अंदर से कॉपर निकालते हैं वह फ्री स्टेट में नहीं होता है, वह संयुक्त अवस्था में होता है, अपने कंपाउंड्स में होता है, अपने ओर्स में होता है। इसके दो तरह के अयस्क हैं, सल्फाइड अयस्क और ऑक्साइड अयस्क। इसके दो तरह के अयस्क हैं, सल्फाइड अयस्क और ऑक्साइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क में आपका कौन कौन सा है, कॉपर ग्लांस है, कॉपर पाइराइट से है, और ऑक्साइड अयस्क में है कॉपर ऑक्साइड, जिसको कि हम लोग क्यू प्राइड भी कहते हैं, और ये आपका जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, इस दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं मेलेकाइट कहते हैं, दोनों को मिलाकर कंबाइंड रूप से मेलेकाइट कहते हैं। अब रह गया कि अयस्कता के दृष्टिकोण से, मतलब कि एक्सट्रैक्शन के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कॉपर ग्लांस। तो भाई कॉपर ग्लांस किस प्रकार का अयस्क है, तो कॉपर ग्लांस आपका सल्फाइड अयस्क है। तो सल्फाइड अयस्क को अपघटनी सेल में ले जाने के पहले फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं या प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, जितनी भी अशुद्धियां यथा संभव हो वो दूर हो जाती है। उसके बाद इस कॉपर सल्फाइड को बेसेमर पात्र में ले जाते हैं, जहां पर बेसेमरिजेशन अभिक्रिया होती है। सबसे पहले कॉपर सल्फाइड को हवा के पर्याप्त मात्रा में गर्म करते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में आपका चला जाता है और प्रथम चरण में प्राप्त कॉपर ऑक्साइड पुनः कंटेनर में रखा हुआ कॉपर सल्फाइड से रिएक्ट करके फफोलेदार तंबा बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है। यह जो फफोलेदार तंबा होता है शुद्धता के दृष्टिकोण से 100% शुद्ध नहीं होता है। एक अपघटनी सेल लेते हैं, इस इम्प्योर फफोलेदार तंबा का मोटा प्लेट और शुद्ध तांबे के तार का पतला तार बनाते हैं, इसे पॉजिटिव से और इसे निगेटिव से जोड़ देते हैं, और जिसका हम प्योरिफिकेशन करते हैं करने जा रहे हैं उसी का साल्ट भी लेते हैं, यानी वैद्युत अपघट्य के रूप में जब बिजली को भेजते हैं तो इसका क्रिस्टल अलग होता है या अपक्षय होता है, और जो प्योर कॉपर का क्रिस्टल है वो पॉजिटिव चार्ज में होता है और इम्प्योरिटीज न्यूट्रल होती है, वह पेंदी में बैठ जाती है, और शुद्ध क्रिस्टल जो पॉजिटिव चार्ज में होता है थिनेस्ट वायर पर जमते चला जाता है, यह मोटा हो जाता है या धीरे धीरे पतला हो जाता है। इस प्रकार से प्राप्त कॉपर 100% 99% शुद्ध होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम लोग आज कॉपर के अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण और विगत दिनों हम लोग पढ़े थे हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण। थैंक यू वेरी मच।